Vehicle, a polar satellite is launched at 850 kilometers above Earth's surface. Find the orbital speed. इसमें बच्चों देखो हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दी है. पोलर सेटेलाइट जो है वो 850 किलोमीटर हाइट पे फेंका गया है, तो आप बताएं कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी. जब वो अपने ऑर्बिट में मूव करने लगेगा ना, तो कितनी स्पीड से मूव करेगा. अब बच्चों देखो ज़रा, ये मास ऑफ अर्थ इसलिए हमने साथ लिखा क्योंकि ये अर्थ सरफेस से ही गया है ना 850 किलोमीटर अबाव, ठीक है ना. और रेडियस ऑफ अर्थ चूँकि इसमें पुट होगा इसलिए वो मैंने साथ ही लिख दिया. ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है. सोल्यूशन की तरफ आते हैं. ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है जी एच इंटू आर प्लस एच. इसमें बच्चों जब तक जी नहीं ना हम निकालेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस हाइट पे नहीं निकालेंगे, हम नहीं निकाल सकते ऑर्बिटल स्पीड. फिर हम क्या करेंगे, पहले उसका फॉर्मूला लगाएंगे. ये बच्चों न्यूमेरिकल डबल स्टेप में होना है. पहले जी एच निकालेंगे, वही कंप्लीट स्टेप्स, जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट पुट करेंगे 850 इंटू 10^3. तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा 6.673 इंटू 10^-11 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर्स इकट्ठी कर देंगे, ठीक है ना. अब नीचे ही देखें, 6400 को 850 में प्लस कर देंगे और 10^3 कॉमन करेंगे तो स्क्वायर साथ होकर 10^6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 40.038 इंटू 10^13 बन जाएगा ऊपर, और नीचे बच्चों हो जाएगा 7250 स्क्वायर. इसका जब हम बच्चे स्क्वायर सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 5.256 इंटू 10^7. अब बच्चों देखो 10^7 और 10^6 ये दोनों प्लस होकर 10^13 हो जाएगा. 10^13 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बाकी चीज़ों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 7.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया, तो ऑर्बिटल स्पीड हम निकालते हैं. ऑर्बिटल स्पीड के लिए फार्मूला प्लेस किया हमने जी एच इंटू आर प्लस एच. अब जी एच की बच्चों वैल्यू पे हमने निकाल ली, वो लिखी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू लिखी और हाइट की वैल्यू पुट की, ठीक है ना बच्चों. इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तीनों वैल्यूज प्लेस की और उनका स्क्वायर रूट ले लिया. अब बच्चों क्या किया, हम लोगों ने अंदर वाली वैल्यूज़ को प्लस किया और मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमारे पास आया 5524 5000. स्क्वायर रूट का जब सॉल्व किया तो ये आया 7432.7 मीटर पर सेकंड. इतनी स्पीड से बच्चे ये ऑर्बिटल सैटेलाइट मूव करेगा. 5.10 जो है ना बच्चे, ये सेम इस जैसा है. अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ. फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड. सेम फुट स्टेप्स पे है 5.9 के. गिवन वही हाइट दी हुई है, 42,000 दी हुई है. तो ये बच्चे बाकी इसकी हम लोग वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, मास ऑफ अर्थ और आगे रेडियस ऑफ अर्थ की बच्चे वैल्यूज़. हमें बच्चे रिक्वायर्ड इसमें क्या है, ऑर्बिटल स्पीड. सेम फुट स्टेप्स. ऑर्बिटल स्पीड की बच्चों वैल्यूज़ निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, जी एच निकालना पड़ेगा. तो जी एच की का फॉर्मूला लिखा, जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर. इसमें बच्चों वैल्यूज़ प्लेस की और सॉल्व किया. इसमें बच्चों ये कि जब हम सारा इस सेम सॉल्व करते हैं ना, तो ये नीचे 10^15 बनता है. तो ये 10^15 बच्चे जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 10^-2 रह जाएगा. तो ये 17.09 इंटू 10^-2 था, जब सॉल्व किया तो 0.17 इंटू 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. अब ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पुट किया, उसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस की, तो ये आई 2868 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना. तो ये बच्चों हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स का.